सो डियर, टाइम भी कहती है कि हमें अपने मंथ 3 डे 2 में जाना है. सो वेलकम टू लिवरेज 2.1 अगेन. मैं सुभाष कार्तिक आपका होस्ट वेलकम करता हूं मंथ 3 डे 3 में. सो आज का जो सबसे पहला मतलब पहला लेसन है मंथ 3 डे 3 का, वो है थोड़ा समझिएगा इसको, क्योंकि इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठा हूँ ताकि आपको ये मैं समझा सकूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जिसके अगेंस्ट हो सकते हैं. तो प्लीज़ अगर आप इसके अगेंस्ट हो भी तो भी कमेंट करें, अगर आप इसको मानते हो या नहीं मानते हो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बात कर पाए अपने आपको. सो द नेक्स्ट लर्निंग इज डू नॉट वॉच टीवी. अजीब सा है ना ये लर्निंग, डू नॉट वॉच टीवी. बिकॉज रिच पीपल दे आर सो बिजी इन देयर वर्क. रिच लोग अपने लाइफ में इतने बिजी रहते हैं अपने काम में, अपने फैमिली के साथ, स्पेशली अपने काम में, कि उन्हें टाइम नहीं मिलता है टीवी देखने को. अब टीवी में है एंटरटेनमेंट, कभी कभार देख लो, लेकिन कहा जाता है कि एक दिन में एक घंटे से ज़्यादा अगर आप टीवी देख रहे हो, मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, अगर देश में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको न्यूज़ देखना है, अब ये अलग बात है. मैं एक नॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल सिचुएशन में दिन में 24 घंटे में एक घंटे से ज़्यादा टीवी देखना इज़ नॉट एट ऑल अ प्रोडक्टिव आइडिया इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिच इन लाइफ. इस बात को अप्रॉक्स 6% रिच पीपल नहीं मानते हैं. वैसे भी बहुत लोग हैं रिच, अपने लाइफ में बिजी हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है. अगर आप मुझे खासकर पूछे कि मैं कितना टीवी देखता हूँ, मैं बस खाने के समय थोड़ा टीवी देखता हूँ, थोड़े अपने बच्चों को जब मैं खिलाता हूँ तो थोड़ी सी टीवी के सामने बैठता हूँ उनके लिए, तो मैं देख लेता हूँ. हाय उज्जवल. हाँ, तो मैं वही बात कर रहा था कि टीवी देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने राह में हो, अपने लाइफ में बिजी हो, अपने लाइफ में काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को, अपने काम को लेकर सोच रहे हो, तो टीवी देखने से अगर थोड़ा बहुत आधा घंटा 45 मिनट्स आप देख रहे हो दैट इज़ फाइन, बट उससे ज़्यादा अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है दोस्तों. सो टीवी डू नॉट वॉच टीवी, ये रिच लोगों का कहना है कि अगर आप टीवी देखोगे तो आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे. तो इसीलिए अगर मैं यही कहूँगा कि टीवी अगर देख भी रहे हो तो एक घंटे से ज़्यादा देखना आपके रिच बनने के सफर में एक बाधा, एक रुकावट डाल सकती है. हाय मिताली. हाय नाज. नाज सेइंग आई डोंट लाइक टू वॉच टीवी. नहीं देखो बात नाज, एक चीज दिमाग में रखना, आई डोंट लाइक टू वॉच टीवी. वाई अगेन वाई, मतलब उस समय आप करते क्या, वो भी इम्पॉर्टेंट है. आप टीवी नहीं देख रहे हो, चलो आप बोल रहे हो सर मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन देखती, लेकिन मैं उस टाइम में कुछ करती भी नहीं. नहीं, ऐसा नहीं. आप टीवी जब नहीं देख रहे हो इसका मतलब है कि उस टाइम में कुछ प्रोडक्टिव तो आप कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अगर आप वो करोगे तो टीवी कैसे देखोगे. सो माय डियर फ्रेंड, रिच पीपल दे सी टीवी वेरी लेस, रादर दे से दे डू नॉट वॉच टीवी. सो आप सोच लो, टीवी देखना है नहीं देखना है, देखना है तो एक घंटे से ज़्यादा देखनी है कि एक घंटे से कम देखना है. बट अगर आप मुझसे पूछोगे, रिकमेंडेड इज़ एक घंटे से कम देखो. थोड़ा बहुत हंसी मजाक के चैनल्स को आप देख सकते हो कुछ 15-20 मिनट के लिए, कभी कुछ प्रोडक्टिव चैनल्स लाइक न्यूज़ देख सकते हो, लेकिन मोर देन 1 आवर कुड बी रियली अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बी रिच इन योर लाइफ. चलिए अगले लेसन में चलते हैं. Rich people, they read books and justify their knowledge. बहुत ही important point है दोस्तों. जो लोग rich होते हैं ना, वो लोग books बहुत पढ़ते हैं. और खासकर जब आप टीवी देख रहे हो और एक इंसान उस समय books पढ़ रहा है, एक books से बहुत सारी knowledge मिलती है. Books are important. My dear friend, जब भी टाइम मिले रीड बुक्स. बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव आइडिया है ये. दिस कैन रियली चेंज योर लाइफ. रीड बुक्स. और ये जस्टिफाई देयर नॉलेज मीन्स व्हाट? जस्टिफाई देयर नॉलेज मीन्स वो बुक पढ़ते हैं कहीं कोई एग्जाम पास करने के लिए नहीं,
वो बुक्स पढ़ते हैं नॉलेज को गेन करने के लिए, और उस नॉलेज को गेन करने के बाद उस नॉलेज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड जस्टिफाइंग इट. सो माई डियर फ्रेंड्स, अगर आप कहीं पर भी हो, पढ़ाई लिखाई आप उतना अच्छा नहीं लगता हो, या अगर आप किताबें कम पढ़ते हो, प्लीज़ आई एम एडवाइजिंग यू, प्लीज़ रीड दैट. अच्छे बुक्स पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो. बहुत लोग हैं जो बोलते हैं, सर हम तो यूट्यूब चैनल देखते हैं, मोटिवेशनल सेशन देखते हैं, सर वो चलेगा? मोटिवेशन चैनल इज़ अ डिफरेंट थिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग बुक्स नाउ. एंड हाँ, अगर आपको रीडिंग बुक्स और मोटिवेशनल चैनल यूट्यूब चैनल में दोनों में अगर कंपेयर करना है, माई डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रीडिंग बुक्स इज माइंड ब्लोइंग, और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. मैं एक बात बोलूँ आपको, आप कोई भी मोटिवेशनल चैनल देखो, ऑफकोर्स वहाँ पर एक मोटिवेशनल एक पर्सन रहता है जो मोटिवेट करता है, राइट? चाहे आप इंडिया के मोटिवेशनल स्पीकर्स हो या बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, कभी उनके लाइफ में पढ़ो. वो लोग जो आपको नॉलेज दे रहे हैं ना, वो लोग कहीं यूट्यूब से नहीं, वो लोग बुक्स पढ़ के यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और उसमें नॉलेज देख रहे हैं, और बाकी लोग जो यूट्यूब देख रहे हैं वो बस यूट्यूब ही देख रहे हैं. माई डियर फ्रेंड्स, वैसे भी इंटरनेट में ज़्यादा देर तक चिपके रहना सही बात नहीं. ओनली वेडनेसडे को चिपके रह सकते हो 9 PM. लेकिन बुक्स पढ़ो, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज़ जो भी पढ़ रहे हो उसे जस्टिफाई करो, उसे अप्लाइड करो अपने लाइफ में. यस, मोटिवेशनल चैनल बिल्कुल देखना, बट रीडिंग बुक्स इज टॉप क्लास हैबिट, टॉप क्लास हैबिट, उससे ऊपर कुछ नहीं है. सो आज का मतलब मंथ 3 डे 2 का जो नंबर 3rd लेसन है वो है, कन्फाइड इन अ मेंटर हु हैज बीन इन द सेम जर्नी. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कन्फाइड इन अ मेंटर हु हैज बीन इन द सेम जर्नी. कन्फाइड इन अ मेंटर, एक मेंटर बनाए जो आपके सफर में आपको हेल्प करे. अगर आप गिटारिस्ट बनना चाहते हो, गिटारिस्ट को बनाओ अपना मेंटर. अगर एक रिच इंसान होना चाहते हो तो एक रिच को अपना मेंटर बनाओ. अगर आप एक इंग्लिश ट्रेनर या सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बनना चाहते हो तो एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर को अपना मेंटर बनाओ. लेकिन मेंटर बनाओ, और मेंटर जो भी बोल रहा है उससे फॉलो करो. बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है दोस्तों, क्योंकि वो भी अपने जर्नी से आगे बढ़ा है और आपकी जर्नी उसकी जर्नी से मिलता जुलता है, तो वो आपको बेटर हेल्प कर पाएगा, क्योंकि एक टाइम पे वो भी आपके जैसा था, आप जहाँ हो वहाँ पे था. सो माई डियर फ्रेंड्स, हमेशा दिमाग में रखिएगा, मेंटर की बिल्कुल सुनना, उसकी बिल्कुल मानना. अगर कहीं पे भी ऐसा लगे कि ऐसा मेंटर आपको मिल गया है जो आपको नेगेटिव लेके चला गया, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. अगर आप राइट मेंटर चुनोगे तो हमेशा प्रोडक्टिव वे में ही जाओगे और आगे जाओगे. और अगर कहीं से भी कुछ बुरा होता है तो इट्स ओके, हर मेंटर की अपनी कहानी है. हमेशा कुछ पॉजिटिव होगा, ऐसी कोई बात नहीं है. तो चेंज योर मेंटर, यू आर ऑलवेज फ्री टू डू इट. सो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा आप कमेंट कीजिएगा कि ये शो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप जितना हमें फीडबैक दोगे, शो को हम और उतनी ज्यादा बेटर कर सकते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सेज कि हमें अभी जाने का वक्त हो चुका है. तो कहीं पे भी आप हो, मैं आपको फिर से हैप्पी होली विश करना चाहता हूँ. सो माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी होली. कहीं पे भी रहिएगा, रंग गुलाल से खेलिएगा, अबीर से खेलिएगा, सेफ खेलिएगा, और किसी को तंग मत कीजिएगा. और क्या मैं बोलूँ, बस अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मज़े कीजिए, एकदम एन्जॉय, बिकॉज लाइफ इज सुपर ऑसम. सो जाने का वक्त आ गया है लिवरेज 2.1 में. आज हमने दो एपिसोड को यहाँ पे हमने पेश किया, और आई होप कि कहीं पे भी लर्निंग आपको ज़्यादा नहीं लगा होगा. और वैसे भी यूट्यूब में इसका टेलीकास्ट होगा. दो अलग अलग एपिसोड्स को हम लोग ब्रेक करेंगे, दो अलग वीडियोस आपको मिलेगा. तो आपको इसके बाद जब आप देखोगे यूट्यूब में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो माई डियर फ्रेंड, लिवरेज 2.1 के मंथ 3 डे 3 के एपिसोड में एपिसोड का यहीं पे हम एंड करेंगे. कहीं पे भी रहिएगा, खुश रहिएगा. हम फिर मिलेंगे अगले वेंसडे को 9 PM. कहीं पे भी रहिएगा, वेंसडे को 9 PM
बिल्कुल आना मत भूलना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे आपसे अगले बुधवार रात के 9 बजे लिवरेज 2.1 से। मैं सुभाष कार्तिक विदा लूंगा, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू, हैप्पी होली।